तीन तलाक बिल ने भले ही कानून का रूप ले लिया हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जी हां, ताजा मामला डिडोली कोतवाली इलाके के एक गांव का है, जहां दहेज में 5 लाख और कार ना मिलने पर पत्नी को 3 तलाक दे दिया गया और विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ 3 तलाक व दहेज उत्पीड़न और देवर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार एक युवती की शादी अमरोहा नगर कोतवाली के एक युवक के साथ हुई, लेकिन शादी के बाद ससुराली विवाहिता को दहेज के लिए परेशान करने लगे। ससुराली दहेज में 5 लाख रुपए और कार लाने का दबाव बनाने लगे, लेकिन विवाहिता ने इसका विरोध किया तो पति ने 3 तलाक दे दिया और रिश्ता खत्म कर लिया। उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। पूरे मामले में विवाहिता की ओर से RGRS पर शिकायत दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने पति, देवर और सास ससुर समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जैसे बताएंगे, जो आपके डिडोली क्षेत्र में एक मामला हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, दुष्कर्म का भी और दहेज का भी, क्या है? जी, इसमें डिडोली थाना क्षेत्र में एक महिला है जिन्होंने कि थाने पर आकर शिकायत की कि उनके ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध कुछ अपराध कारित किया है। जो महिला की तहरीर थी उसके आधार पर थाने में तलाक व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें आगे जांच की जा रही है। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।